नमस्कार दोस्तों, स्टडी पर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि एसएससी एमटीएस के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और 2 तारीख से इसके जो है एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। और दोस्तों, कि एडमिट कार्ड आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो और एसएससी एमटीएस का सिलेबस क्या है, तो इन्हीं विषयों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन कीजिए और उसमें सरकारी रिजल्ट MTS भर दीजिए। उसके बाद SSC ये पहले यहीं पे क्लिक कर लीजिए, मिसेज आइए और यहाँ डाउनलोड एडमिट कार्ड अदर रीजन यहाँ क्लिक कर दीजिए, सेकंड नंबर वाले का। तो यदि आपने राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड रीजन भरा है तो आप इस साइट पे चले जाइए। और ये एडमिट कार्ड दे रखे हैं। तो दोस्तों, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सेकंड नंबर वाले पे क्लिक कीजिए, स्टेटस फॉर मल्टीटास्किंग स्टाफ। और यहाँ पर आपके आपका नाम, आपके पिता का नाम, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ और सर स्टेटस कर दीजिए यदि आपने दिल्ली राजस्थान में सेंटर पर रखा है। और यदि आपने चंडीगढ़ सेंटर पर रखा है तो आपको मैं बताता हूँ, यदि आपने चंडीगढ़ पर रखा है तो ये हरियाणा, पंजाब, J&K, हिमाचल प्रदेश वेबसाइट है, इस पर क्लिक कीजिए। ओके कर दीजिए। और ये रखा है यहाँ पर, क्लिक कर दीजिए। यदि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है तो यहाँ पर दीजिए माता का नाम और डेट ऑफ बर्थ, और यदि रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो यहाँ पर आपका नाम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ और सर स्टेटस कर दीजिए, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। और यदि आप किसी अदर रीजन से हो, और यदि आप किसी अदर रीजन से, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये आपने सेंटर पर रखे हैं, इनमें से कोई से भी जो जो से आपने सेंटर पर रखे हैं, जहाँ पर भी उसी के सामने साइड पर रखी, उसी पर क्लिक कीजिए और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि SSC MTS का सिलेबस क्या है। तो चलो दोस्तों, हम चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। दोस्तों, हम आ गए हैं SSC MTS का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उस पर, और चेक करते हैं कि सिलेबस क्या है। नीचे नीचे और इधर रखा है सिलेबस। तो जनरल इंग्लिश है 25 नंबर की और 25 क्वेश्चन मिलेंगे, और जनरल इंटरनल मतलब रीजनिंग है 25 नंबर की और 25 क्वेश्चन, और मैथ आपका 25 नंबर 25 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस भी आपकी जो है 25 नंबर की है, और इसमें 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25। यदि आप एक गलत करते हो तो उसके लिए आपका 0.25 मार्क्स काट दिए जाएंगे। तो सो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, और मैं टायर टू और बता देता हूँ, अगर आपका पहला पेपर क्लियर हो जाता है तो दूसरा पेपर आपका शॉर्ट ऐसी लेटर होगा 50 नंबर का, जो इंग्लिश में लिखवाएंगे आपसे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, और इसी प्रकार की जानकारी हमारे चैनल से प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।